एक सिचुएशन है, इसके बारे में आप एक बार सोच के देखो। आप किसी लड़की को पसंद करते हो, यानी कि उस पर आपका क्रश है। अब उसी लड़की को कोई और लड़का भी पसंद करता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर मैं ऐसे सिचुएशन में होता तो जाहिर सी बात है जेलसी तो होती और मुझे खुन्नस भी बहुत होता, और मैं यही चाहता कि उस हड्डी को कबाब से बाहर निकालूं और उसे मैं किसी कुत्ते को खिला दूं। चलो दोस्तों, ये तो बात हो गई इंसानों की। अब एक और दूसरा सिचुएशन है, इसमें आप अपने आप को एक बार सोच के देखो। इस बार आप जिस लड़की को पसंद करते हो, जिसे आप लाइक करते हो, इसे पाने के लिए इस बार आपको किसी इंसान या लड़के से नहीं भिड़ना है, इस बार आपको एक भूत यानी कि एक राक्षस से भिड़ना है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? अब अगर दोस्तों मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, तो मैं सबसे पहले ये देखना चाहूंगा कि जिस लड़की के लिए मैं भूत से लड़ने वाला हूं, जिसके लिए मैं अपने जान पे खेलने वाला हूं, उस लड़की का मेरे में इंटरेस्ट कितना है। अगर वो लड़की भूत से लड़ने के बाद, भूत के जाने के बाद वो मेरे साथ रहती है, तो मैं उसके लिए जान पे खेलने के लिए तैयार हो सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इतना सा भी पता चला कि भूत के जाने के बाद वो भी चली जाएगी, वो भी मुझे छोड़ देगी, तो ऐसे केस में तो मैं भूत को कहूँगा उसे उठा के आराम से ले जाओ, यहाँ तक कि मैं भूत को खुद मदद करूँगा कि इसे ले ही जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की जो हमारी मूवी है, इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जो हीरो हैं वो जिस लड़की को पसंद करते हैं, जिस पे उनका क्रश है, यानी कि जो इस मूवी की एक्ट्रेस है, उसके पीछे भी एक भूत पड़ जाता है। और हमारे जो हीरो हैं वो ठहरे एक सच्चे प्रेमी आशिक दीवाना, और वो अपने हीरोइन को बचाने के लिए इस भूत से लड़ जाते हैं। दोस्तों इस मूवी का नाम है मुंजिया। तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है एक 14-15 साल के लड़के से, जो कि है तो अभी छोटा सा, लेकिन इसे अपने गांव की एक लड़की पसंद आ जाती है, जिससे वो शादी करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात है कि ये लड़की इस लड़के से उम्र में 7 साल बड़ी होती है। अब इस लड़के के माँ बाप इसे बहुत समझाते हैं कि तेरी उम्र अभी नहीं है, तू अभी शादी नहीं कर सकता है। लेकिन ये लड़का बिल्कुल ही पागल, ये इस लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये काला जादू कर सकता है, ये बलि भी चढ़ा सकता है, ये हर वो चीज़ कर सकता है जिससे कि ये लड़की इससे शादी कर ले। अब दोस्तों यहाँ पे एक हादसा हो जाता है, और इस हादसे में इस लड़के की मौत हो जाती है। ये लड़का मरने के बाद एक भूत बन जाता है, लेकिन भूत बनने के बाद भी इसका एक ही अंतिम इच्छा होता है कि वो इस लड़की से शादी करना चाहता है। वो अपने खानदान वालों को परेशान करता है, यहाँ तक उन्हें मारने तक लग जाता है। उसका बस एक ही कहना होता है कि मुझे इस लड़की से शादी करवाओ, नहीं तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। अब दोस्तों ये भूत यानी कि मुंजिया अपने ही खानदान के एक लड़के से मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं ये भूत उस लड़के को रिश्ते में दादाजी लगेंगे। और ये भूत जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो उसके ही पोते यानी कि अपने इस हीरो की गर्लफ्रेंड है। अब दोस्तों इस भूत और लड़के में पूरी मूवी में 36 का आंकड़ा रहता है, और दोनों के बीच काफ़ी उठा पटक चलता है। लेकिन अपना हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही शिद्दत से बचा लेता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मूवी के एंड में अफसोस की बात यह है कि वो लड़की इसे नहीं मिलती है। अब दोस्तों अगर मैं इस मूवी की बात करूँ, तो ये मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंटरवल तक ठीक ठाक है, या फिर हो सकता है कि ये मूवी आपको इस बीच में बोर भी करे, लेकिन एंटरवल के बाद से लेके एंड तक ये मूवी में फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, आप काफ़ी इंजॉय करोगे। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जहाँ से इस मूवी में बाहुबली के कटप्पा मामा यानी कि सत्यराज एंट्री करते हैं, वहाँ से लेकर के एंड तक इस मूवी में आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा, आप काफ़ी इंजॉय करोगे। इस मूवी को उन्हीं लोगों ने बनाया जिन्होंने राजकुमार राव की मूवी स्त्री को बनाया है। स्त्री मूवी और मुंजिया मूवी में कॉमन ये कि दोनों ही हॉरर कॉमेडी मूवी, और डिफरेंस ये है कि स्त्री मूवी में एक भूतनी है जिसे मर्दों की तलाश है, और मुंजिया मूवी में एक भूत है जिसे लड़कियों की तलाश है। अब दोस्तों ओवरऑल अगर इस मूवी की बात करूँ कि मूवी अच्छी है, और आजकल के बॉलीवुड के बायोपिक और रियल लाइफ मूवी से तो काफ़ी बेहतर है। इस मूवी को आप काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर लोगे।